लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अरुण साव ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भूपेश सरकार ने प्रदेश के हर वर्ग को ठगने का काम किया है। गंगा जल की कसम खाकर घोषणा पत्र जारी करने वाली कांग्रेस अब सरकार में आने के बाद अपने वायदे से मुकर रही है। पूरे प्रदेश में माफिया राज चल रहा है। सरकार को शराब, रेत, कोयला माफिया चला रहे हैं। राजधानी व धानी में सारे रात चाकूबाजी की घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने बताया कि मैं जब से प्रवास पर निकला हूं, समूचे छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं। हमारे पास पूरे प्रदेश में मजबूत कार्यकर्ताओं की एक बड़ी श्रृंखला है। उन्होंने कहा कि आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। मैं छत्तीसगढ़ के सभी प्रदेशवासियों व समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से जन्मदिन की बधाई देता हूं और उनके स्वस्थ व दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी का जीवन जो देश व समाज के लिए पूरी तरह समर्पित रहा है, उससे प्रेरणा लेकर उनके जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। आज पूरे देश में रक्तदान वृक्षारोपण कर प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को यादगार बना रही है। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल, राजा पांडे, राम सेवक पैकरार, रजनी त्रिपाठी, अनुराग सिंह देव, परमेश्वरी राजवाड़े, भीमसेन अग्रवाल, कमल भान सिंह, शस्त्र तिवारी, संदीप अग्रवाल मौजूद रहे। R9 भारत ब्यूरो चीफ इमरान अहमद, सूरजपुर, छत्तीसगढ़। आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कांग्रेस पार्टी की सरकार बड़े बड़े वायदे करके जन घोषणा पत्र के माध्यम से गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाकर बड़े बड़े वायदे करके भारी बहुमत से सरकार में आई है, पर ये 4.25 सालों के बाद आज छत्तीसगढ़ का हर वर्ग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। चाहे वो किसान हो, युवा हो, माताएं बहनें हो, सरकारी अधिकारी कर्मचारी हो, हर वर्ग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और इस सरकार ने हर वर्ग को ठगने का काम किया है। आज छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। राजधानी न्यायधानी से लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में दिन दहाड़े चाकूबाजी की घटनाएं, हत्या, बलात्कार और अपहरण की घटनाएं हो रही है। राज्य की कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बनाने में तुली हुई है। आज छत्तीसगढ़ में माफिया राज चल रहा है। चाहे भू माफिया हो, रेत माफिया हो, कोल माफिया हो, शराब माफिया हो, शराब बंदी का वादा किया लेकिन शराब पानी की तरह बहाने का काम, घर पहुंच शराब पहुंचाने का काम और कोचियों के माध्यम से गली गली मोहल्ले मोहल्ले शराब बेचने का काम हो रहा है। शराब के इस खेल के कारण सर्वाधिक कोई वर्ग परेशान है तो हमारी माताएं बहनें और बच्चे हैं। प्रदेश में अब अपराध का ग्राफ भी नशेखोरी के कारण बढ़ा है। युवा नशे के गिरफ्त में आते चले जा रहे हैं और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। आज छत्तीसगढ़ का हर वर्ग इस सरकार से परेशान है।